नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज 4 स्टार्ट हो चुका है। फेज 4 एक नई श्रृंखला है, अलग तरह का काम बच्चों को आपको भेजना है। इसमें प्रथम सप्ताह 31/5/2021 से 5/6/2021 तक चलेगा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को क्या क्या सामग्री हमें भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज 4, जो आपका 31/5/2021 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा प्रथम सप्ताह 31/5/2021 से 5/6/2021 तक का होगा। इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 तक की सामग्री देखेंगे, कौन कौन सी सामग्री हमें बच्चों को प्रेषित करनी है। सबसे पहले अभिभावकों के लिए इसमें कुछ निर्देश दिए गए कि अभिभावकों को क्या क्या करना है। तो अभिभावकों को शिक्षकों से संपर्क करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। उसके बाद उसके साथ साथ प्रेरणा लक्ष्य ऐप को भी इंस्टॉल करना है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप को किस तरह से इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो उसमें दी गई है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना है और इस सूचना पत्र का कैसे प्रयोग करना है वीडियो से जाने, इसके लिए एक वीडियो दी गई है कि आपको किस तरह से अभिभावकों को यूज़ करना है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रतिदिन क्या क्या पढ़ाई बच्चों को करानी है अभिभावकों को, क्योंकि ये अभिभावकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले 1 घंटा बच्चों के साथ फोन और किताब लेकर पढ़ाई करने बैठे। उसके बाद 1 फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए कार्य करें। जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्य भेजा गया है वे कार्य करें। करते समय बच्चों का फोटो और वीडियो लेकर शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें। उसके बाद 20 मिनट प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भाषा और गणित के प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद 30 मिनट बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार दूरदर्शन पर शैक्षणिक सामग्री दिखानी है, जो दूरदर्शन की शैक्षणिक सामग्री प्रतिदिन आती है। और हर शनिवार को शनिवार स्पेशल क्विज होगी। यहाँ याद रखना होगा, हर सप्ताह शनिवार को व्हाट्सएप पर आपको एक क्विज भेजी जाएगी, उस क्विज को बच्चों के साथ शेयर करनी है। अब देखते हैं कक्षा 6 को किस दिन कौन सी सामग्री आपको भेजनी है। कक्षा 6 आपकी गतिविधि क्या होगी सोमवार की, कहानी लापता साबुन का रहस्य, और दूसरी होगी आपकी नाटक की बारिश। इसके लिए 2 लिंक दिए गए हैं, इन लिंक पे क्लिक करके, वैसे तो आपके लिंक यहाँ पर क्लिक नहीं होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी दिन जिस दिन आपको सामग्री भेजनी है मैं आपको लिंक दे दूंगा या इससे संबंधित वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो आपको बच्चों के साथ शेयर करनी है। आप जैसे कल सोमवार होगा तो सोमवार को किस क्लास को कौन सा लिंक भेजना है या कौन सी वीडियो भेजनी है वो आपको टाइम से ही प्रेषित कर दूंगा। उसके बाद बुधवार को कहानी गीत का कमाल और नाटक की बिजली हमारी आवाज़, ये प्रेषित करना है कक्षा 6 के बच्चों को। इसका लिंक भी दिया गया है, इन लिंक के माध्यम से आपको उन्हें भेजना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका शुक्रवार को कहानी अक्कू हुई गुस्सा और मंच पर चढ़ना, 2 लिंक आपको दिए हुए हैं। शुक्रवार को आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको केवल उनको बच्चों को शेयर करना है। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 7 की। कक्षा 7 में सोमवार को कहानी लापता साबुन का रहस्य और नाटक की बारिश सेम वही है, अलग नहीं है, इनके लिंक दिए गए हैं, इन लिंक को आपको बच्चों को शेयर करना है। उसके बाद बुधवार को कहानी गीत का कमाल और नाटक की बिजली हमारी आवाज़, ये बच्चों को शेयर करने हैं, 2 लिंक हैं, इनकी लिंक या वीडियो जो भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा उसको आप बच्चों को शेयर कर दीजिए। उसके बाद शुक्रवार को कहानी अक्कू हुई गुस्सा और मंच पर चढ़ना, ये शुक्रवार को बच्चों को
शेयर करना है लिंक या वीडियो जो भी आपको उपलब्ध होगी वो आपको शुक्रवार को शेयर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 8 की। कक्षा 8 में वही सोमवार को कहानी लापता, साबुन का रहस्य और नाटक की बारिश, इनके लिंक बच्चों को शेयर करने हैं। उसके बाद बुधवार को कहानी गीत का कमाल और नाटक की बिजली हमारी आवाज़, ये दो लिंक बच्चों को शेयर करने हैं। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद शुक्रवार को कहानी अक्कू हुई गुस्सा और मंच पर चढ़ना, ये बच्चों को शेयर करना है। तो ये काम आपको बच्चों को शेयर करने हैं। जिस तरह से आपको मिलता है, या तो आपको लिंक मिलेगा या आपको वीडियो मिलेंगी, उन वीडियो को आपको बच्चों को शेयर करना है। तो इस तरह से आपको फेज 4 में कुछ अलग तरह के से ही बच्चों को काम शेयर करना है। घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ई पाठशाला। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।